अरविंद केजरीवाल आने वाले 3 दिन तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार करेंगे। आज 2 नवंबर है। 2 नवंबर की तारीख अहम इसलिए क्योंकि ईडी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए आज बुलाया था। अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं गए, उल्टा ईडी के सामने सवालों की झड़ी अरविंद केजरीवाल ने लगा दी। अपने 2 पन्ने के लेटर में अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर ही सवाल दागे, कई गंभीर आरोप ईडी पर लगा दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें सीधे तौर पर पूछा है, आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं? गवाह के तौर पर बुला रही हैं, संदिग्ध के तौर पर बुला रही हैं। केजरीवाल ने यह भी पूछा, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर बुलाया जा रहा है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में बीजेपी नेताओं और ईडी के बीच साठगांठ के आरोप भी साफ शब्दों में लगाए हैं। साफ शब्दों में लिखा, जिस दिन ईडी की तरफ से समन जारी किया गया उस दिन बीजेपी नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा है, उनकी छवि को खराब करने के लिए 30 अक्टूबर की शाम को बीजेपी नेताओं को ईडी का समन लीक किया गया। केजरीवाल ने ईडी को लिखी चिट्ठी में नोटिस को गैर कानूनी राजनीति से प्रेरित बताया और यहां तक कह दिया कि बीजेपी के कहने पर ईडी ने यह नोटिस भेजा है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि दिवाली तक तो वो व्यस्त रहेंगे, ऐसे में ईडी अपना नोटिस वापस ले। ईडी एक जांच एजेंसी है, इसीलिए जांच एजेंसी को एक मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह की चिट्ठी लिखना ये बहुत बड़ी बात हो जाती और माना यह जा रहा है कि ईडी सीएम केजरीवाल के नाम अब नया समन जारी कर सकती है। लेकिन सबसे पहले सुनाते हैं आपको दिल्ली की सियासत की आवाज, कैसे इस मुद्दे पर तल्ख हो गई है राजनीति। ये मैं नहीं जानता क्यों केजरीवाल का क्यों समन किया, पर अगर ये बात ऐसे कह रहे हैं, बात तो सच है, चुनाव चल रहे हैं, ये तो सच्चाई है, चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त उनको समन करना तो थोड़ा अजीब है। क्या हम लोग नौकरी बांटेंगे और फिर से ईडी और इनकम टैक्स का वो लोग छापा मरवाएंगे? तो ये केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी नोटिस वापस ले, कल बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले, तो ऐसे चलता है क्या देश? आपके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 338 करोड़ की रिश्वत का सबूत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या इसके बाद आपको पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा? और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूछताछ से भाग रहे हैं उससे ये स्पष्ट है कि वो डरे हुए हैं, उनके मन में चोर है और वो जांच से बचना चाहते हैं। घोटाले पर सवाल, सफल होगी सियासी ढा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बन जाता है। ऐसे में मुझे लगता है शुरुआत जरा अभय जी से करते हैं। अभय सर, ये आक्रामकता अरविंद केजरीवाल की इस पूरे मामले में लपेटे में अरविंद केजरीवाल ईडी को लेते हुए नजर आ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये मानता हूं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है और केंद्रीय जांच एजेंसियों को किसी भी संदेह है तो उसके खिलाफ उन्हें जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए और जो उचित लगे उन्हें करना चाहिए कानून के दायरे में रहकर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही ये मसला शुरू होता है जो सत्तारूढ़ दल है, देश का सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, वो इस बात को इस तरह से कहना शुरू कर देता है कि जिस व्यक्ति को नोटिस भेजा गया है ये तो अपराधी है ही। भाजपा वालों को ये पहले पता है, ईडी के पहले, पूछताछ से भी पहले पता है, हर चीज से संबंध से पहले ही उन्हें पता है। वो तो बहुत पिछले साल जन्माष्टमी से कह रहे हैं कि 2 विकेट हमारे गिर गए हैं, आम आदमी पार्टी गिरा दिए सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का, अब 3रा विकेट गिरना बाकी है। ये पिछले साल जन्माष्टमी से कहा जा रहा है और उनके प्रवक्ता ने राष्ट्रीय मंच के ऊपर ये बात आधिकारिक रूप से कही थी। हाँ। ऐसी बात नहीं कि कयासबाजी की बात हो। तो सवाल ये है कि आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं इसके साथ हूँ, उसका राजनीतिकरण कर दिया है पूरी तरीके से। मेरी आलोचना केवल इस बात में है और अरविंद केजरीवाल ने जो रवैया अपनाया है वो दरअसल राजनीतिकरण की वजह से ही उन्हें ये मौका मिला है कि ये कह पाए। अगर राजनीतिकरण नहीं किया,
कहते नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर कानून को अपना काम करने दिया गया होता तो ठीक होता। ठीक है विजय जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभय जी कर रहे हैं, बाकायदा ये जो जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को भेजा गया है, इस पे अरविंद केजरीवाल मेंशन करते हैं कि साहब 30 अक्टूबर को दोपहर में आप मुझे समन करते हैं और शाम तक वो खबर लीक हो जाती है। बीजेपी के नेता वो नाम लिख रहे हैं, सांसद मनोज तिवारी का, अपने उस जवाब में, और वो कह रहे हैं वो सब आकर मीडिया के सामने बताने लगते हैं कैसे मेरी गिरफ्तारी होने वाली है। मतलब ये तो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी और केंद्र सरकार की साठगांठ का हवाला जो दिया है इस चिट्ठी में, लग रहा है ये मामला अब आगे बहुत बढ़ेगा। अब पॉलिटिक्स के लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर ये बढ़ेगा। केजरीवाल जी जो बात कर रहे हैं वो तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज, वो भी कल कह रहे थे कि गिरफ्तारी हो जाएगी, जेल जाएंगे। हाँ। तो बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है ना। लेकिन ये अभय जी ने जो बात कही वो पॉलिटिकल सारा हो गया, लीगल इशू को पॉलिटिकल इशू पर वो ले आए, और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला कि वो उसका एक पॉलिटिकल जवाब दे। हालांकि कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में जो मसला आया था और उसमें जिस तरह से ईडी की चार्जशीट को ऑब्जर्वेशन में अपने ऑब्जर्वर के तौर पर उन्होंने रखा सुप्रीम कोर्ट ने, और उसको कोट किया कि भाई ये 338 करोड़ का ट्रेल है जिसमें मनीष सिसोदिया साहब को जानकारी है, और वहाँ से उसके तुरंत बाद ईडी का सम्मान होता है अरविंद केजरीवाल साहब को, तो ये साफ हो गया था। केजरीवाल साहब को भी लग रहा था, आम आदमी पार्टी को भी लग रहा था कि यदि वो ईडी के सामने पेश होंगे तो उनकी गिरफ्तारी तय है, और उनकी गिरफ्तारी पूरा जो अभी इलेक्शन चल रहा है मध्य प्रदेश, ये पांचों विधानसभा और सरकार का संकट, राजनीतिक संकट, मेरा सवाल जो है वो इस बात को लेकर था कि ये पूरा का पूरा मामला, ये भ्रष्टाचार का मामला जिसको लेकर ये जांच चल रही है, इसमें अभी तक हो क्या रहा था, आप वर्सेस बीजेपी हो रहा था, लेकिन अब नया क्या हुआ है आप लोग बेहतर बता पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब ईडी को लिखा है उन्होंने सीधे लपेटे में ईडी को लिया है, इस बार निशाने पर उन्होंने ईडी को लिया है।